स्वागत है गाइज़ आप सबका मेरे एडिटिंग चैनल पे। तो गाइज़ इस टाइप की एडिटिंग करने के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज़। तो गाइज़ सबसे पहले आप लोगों को इस फ़ोटो को शेयर कर देना लाइट रूम पे। तो ये रहा मेरा लाइट रूम एप्लीकेशन। उसके बाद हम लाइट रूम पे उसको शेयर करेंगे। तो यहाँ पे मेरा लाइट रूम पे फ़ोटो ऐड हो रहा है, लाइट रूम पे शेयर हो रहा है, मेरा फ़ोटो जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फ़ोटो जा रहा है गाइस लाइट रूम पे। लाइट रूम पे गाइस फ़ोटो को ऐड होने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा वक्त लगता है उसमें, आपको थोड़ा लगेगा। तो मतलब फ़ोटो का क्वालिटी जैसा होता है उसी हिसाब से आपको टाइमिंग लगेगा उसमें। तो ये मेरा फ़ोटो जा चुका है। तो हम सिर्फ यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक मेरा लाइट रूम पर फ़ोटो आ जाएगा गाइस। तो वैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं मेरा फ़ोटो यहाँ पे लाइट रूम पर आ चुका है। तो मैं फ़ोटो पे एक बार क्लिक करूँगा तो ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा फ़ोटो। तो उसके बाद हम सबसे पहले लाइट्स पे जाएंगे गाइस, लाइट पे जाएंगे। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को हम हल्का सा प्लस करेंगे 20%। उसके बाद हाइलाइट्स को हम गाइस -20, थोड़ा सा कम ज़्यादा होने से चलेगा गाइस। उसके बाद हम शेडो को करेंगे गाइस -20 या 21, कुछ ऐसी। उसके बाद वेटनेस को हम करेंगे गाइस +20। ब्लैक को गाइस करेंगे हम लोग -25। तो एंड आप देख सकते हैं लाइट में मेरा कितना इफेक्ट आ चुका है, थोड़ा एचडी क्वालिटी का आ चुका है गाइस। तो यहाँ पे आप लोगों को स्टेप से थोड़ा कर देना सेटिंग को। उसके बाद ये बिफोर एंड आफ्टर तो आप देख लिए होंगे, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे कलर्स में। कलर्स में हम जाने के बाद इसको हम कर देंगे इस वाले में कस्टम पे। उसके बाद इसको हम मिक्स कलर में जाएंगे गाइस। मिक्स कलर में जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस वाले टूल में जाना है। उसके बाद इसको कर देना है माइनस, इसको हल्का सा कर देना है गाइस, ये माइनस के साइड -20 या 25 कुछ ऐसी। उसके बाद गाइस हम जितना भी कलर से मेरा ये हम इसको माइनस के साइड कर देंगे, सिर्फ इसको करेंगे गाइस। उसके बाद हम जाएंगे येलो कलर में। येलो कलर में जाने के बाद हम इसको कर देंगे हल्का माइनस 60 कर देंगे। बाद इसको हम कर देंगे -82 81। उसके बाद इसको हम हल्का सा प्लस का साइड रखेंगे गाइस। उसके बाद गाइस हम जाएंगे ऑरेंज कलर में, जो मेरा स्किन का कलर है गाइस, उसको हम करेंगे +20। उसके बाद हम इसको करेंगे गाइस -6। इसके बाद इसको करेंगे गाइस हम +25। उसके बाद गाइस यहां से कर देंगे डन। डन कर देने के बाद गाइस हम यहां से फ़ोटो को शेयर करेंगे सीधे स्नैपशीट में। सॉरी गाइस, यहां से पहले आप लोगों को फ़ोटो को सेव कर लेना है गाइस। तो आप यहां पे शेयर का निशान पे टैप करेंगे तो आ जाएगा ये सेव टू डिवाइस में कर देंगे तो ये मोबाइल में सेव हो जाएगा गाइस। तो फ़ोटो मोबाइल में इसलिए ऐड कर रहा हूँ, मोबाइल में इसलिए मैंने पहले ये कर दिया, क्योंकि आपको स्नैपशीट में लगेगा वहाँ पे फ़ोटो, इस फ़ोटो को क्रॉप करने के बाद। तो गाइस मैं चलिए आपको दिखाता हूँ आगे। तो आप फिर शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फ़ोटो को शेयर करेंगे स्नैपशीट में। तो यहाँ पे मेरा स्नैपशीट आ चुका गाइस। उसके बाद जाएंगे स्नैपशीट एप्लीकेशन में। तो गाइस हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अपना बैकग्राउंड जो है उसको ब्लर करेंगे। और बहुत जन को ऐसा लगता है कि वो बैकग्राउंड ब्लर नहीं कर सकता, बैकग्राउंड ब्लर करना नहीं आता है। तो गाइस इसमें आप ऑटोमेटिक देख सकते हैं कितना अच्छा से ब्लर होगा और कैसे होगा। बहुत जन ऐसे भी करते हैं गाइस कि ब्लर करते हैं मगर उसका जो ये है उसका जो फ़ोटो है उसमें भी आ जाता है गाइस, तो उसमें नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर थोड़ा फोटो भी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो गाइस हम जाएंगे सबसे पहले टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद हम जाएंगे हीलिंग पे गाइस। सबसे पहले हीलिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आपका जो जितना भी पार्ट आपका बॉडी का उसको इरेज कर देना है। मतलब उस पर ऐसे आप करेंगे ना तो इस टाइप का हो जाएगा, तो
वहाँ से आपका गायब हो जाएगा गाइस। उसके बाद हम ऐसे करके पूरा बॉडी में कर लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके करना है, एक ही बार में कीजिएगा। अब अगर आप चाहेंगे कि मैं एक ही बार में पूरा ये क्रॉप कर दूंगा तो उसमें आपको बहुत ख़राब दिखेगा गाइस, बैकग्राउंड थोड़ा अलग दिखेगा, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके करना है गाइस, ठीक है। तो उसके बाद इस टाइप से आपको कर लेना है, तो आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि मेरा इस बैकग्राउंड में कोई फ़ोटो है ही नहीं, तो आप देख सकते हैं गाइस ये मेरा हट चुका है आपका, ठीक है। यहाँ से डन करेंगे, डन करने के बाद गाइस हम जाएंगे टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे लेंस ब्लर में, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेंस ब्लर में जाएंगे। लेंस ब्लर में जाने के बाद इसको छोटा सा कर देंगे, इसको भी छोटा कर देंगे इधर से, और जाएंगे सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में जाएंगे इसको माइनस एकदम ज़ीरो कर देंगे। उसके बाद जहाँ पर मेरा फ़ोटो है, जिधर भी यहाँ पर मेरा फ़ोटो था, तो हम इसको यहाँ पर रख देंगे गाइस। उसके बाद यहाँ से आपको जितना भी ये रखना है, ब्लर रखना है, आप ज़्यादा रखेंगे तो आपको मतलब थोड़ा फेक लगेगा कि हमने मतलब ये ब्लर किया हुआ है ये वगैरह, तो आपको ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना 35 रख देना गाइस। उसके बाद यहाँ से कर देना डन, डन करते ही गाइस आपका यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा। उसके बाद जाना है आपको टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद आपको जाना है डबल एक्सपोजर में, उसके बाद जाना है आपको ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप जो लाइट रूम पर जो फ़ोटो को पहले सबसे पहले जो आप ये किए थे क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल में जो ऐड किए थे उस फोटो को आपको लेना है। तो वो फोटो आपका कहाँ आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ, आपका फ़ोटो आएगा लाइट रूम एप्लीकेशन पे, मतलब लाइट रूम का फाइल पे। तो यहाँ पे ये लाइट रूम फाइल मेरा, तो ये मेरा फ़ोटो आ चुका है गाइस जो मैंने लाइट रूम से ऐड करा था मोबाइल में, तो इसलिए यहाँ पर आपको ऐड करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसको आपको इस पर जाना है, इसका पूरा इसको फुल कर देना है। फुल करने के बाद आपको यहाँ डन करना है, डन कर देने के बाद गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जैसा पहले फोटो था वैसा आ चुका है, ब्लर नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पे ब्लर करना पड़ेगा गाइज अपने हाथ से। तो यहाँ पे जो तीर का आइकन है इस पर जाना है आपको, उस पर जाने के बाद यहाँ पे वी एड्रेस पर जाना है, यहाँ पर जाने के बाद गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पर जाना है, इस पर जाने के बाद ब्रश पर जाना है, ब्रश पर जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका बैकग्राउंड आ गया, फ़ोटो नहीं आ रहा है, तो आपको उसके लिए इस बटन पे टैप करना होगा गाइस, तो आपका फ़ोटो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप साइज़ 100 प्लस कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से आप ये ब्लर कर सकते हैं गाइस, देख सकते हैं ये मेरा ब्लर हो रहा है, देख लीजिए। तो इस टाइप से आप लोगों को आराम आराम से बॉडी को छोड़ के आराम आराम से हर जगह चला देना है, मतलब जहाँ तक आपको लगे कि नहीं हाँ इधर इधर ओरिजिनल जी मेरा दिख रहा है, तो पूरा अगर कर देंगे चारों तरफ से पूरा कर देंगे वो फेक दिखेगा, तो मैं जैसे कर रहा हूँ आप उसी टाइप से कीजिएगा। तो आप चलिए मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ गाइस।
तो गाइज़ यहाँ पे आपका देख सकते हैं बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है, तो यहाँ पे आपको तीर के आइकन पे टैप कर देना था। उसके बाद गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर बहुत अच्छी तरीके से ब्लर हो चुका है गाइज़। उसके बाद हम यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, सीधे शेयर करेंगे लाइटरूम बाबा पे। तो लाइटरूम पे हम शेयर करेंगे फ़ोटो को अपना। तो यहाँ पे थोड़ा टाइमिंग लगा, जो जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है उसका थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद यहाँ पे शेयर के बटन में जाके गाइस यहाँ पे हम लाइटरूम पे शेयर करेंगे अपने फ़ोटो को। तो मेरा फ़ोटो लाइटरूम पे जा रहा है गाइस। ये देख सकते लाइन पे चले गया, तो हमको जाना है लाइटरूम पे। लाइटरूम पे जाने के बाद गाइस आप देख सकते हैं मेरा फ़ोटो आ चुका है ब्लर वाला, और ये बिना ब्लर वाला है और ये मेरा ब्लर वाला है गाइस। तो ब्लर वाला को ले लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे चाहे तो हल्का सा लाइटिंग वगैरह कुछ इसको थोड़ा सा छेड़ सकते हैं, अच्छा होगा। उसके बाद गाइज कुछ इस टाइप से कर लेने के बाद जाएंगे कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद गाइज वही मिक्स कलर में जाना है। मिक्स कलर में जाने के बाद हमको जाना है सबसे पहले इस वाले कलर में, तो इसको कर देंगे माइनस, इसको कर देंगे हल्का सा प्लस। उसके बाद इसको भी कर देंगे गाइज माइनस, इसको हल्का सा प्लस करेंगे, इसको भी हल्का सा प्लस करेंगे। उसके बाद इस वाला टूल में जाएंगे, इसको हल्का सा करेंगे हम लोग प्लस माइनस और ये प्लस, बस इतने सा कर देने के बाद गाइज हम लोग यहाँ से कर देंगे डन। उसके बाद जाना है इस वाले कलर में, तो इसको हल्का सा ऊपर के साइड लेके जाना है इस टाइप से। उसके बाद इसको भी हल्का सा, बहुत ही अच्छा टोन आ रहा है गाइस। तो गाइस इतना सा कर देने के बाद इसको कर देना है माइनस हल्का सा, सॉरी ये मिस्टेक हो गई। इतना सा कर देने के बाद गाइस यहाँ पे कर देना डन। डन कर देने के बाद आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी ज़्यादा। तो उसके बाद आपको जाना है इस वाला टूल में। इस वाला टूल में जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना गाइस, सिर्फ यहाँ पे जाके इसको प्लस माइनस कर देना है गाइस, बस ये देख सकते हैं गाइस। अभी आप देख सकते हैं गाइस बिफोर एंड आफ्टर, ये देख सकते काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग है गाइस बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद आपको यहाँ पे शेयर पे जाना है और आपको मोबाइल में ये फ़ोटो सेव कर देना है गाइस। तो ये मेरा मोबाइल सेव हो गया है गाइस। उसके बाद अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा हर आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचेगा गाइस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।